इन दो बड़ी गलतियों की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गई टीम पाकिस्तान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में पाकिस्तान की सरमनाखार। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन सी दो बड़ी गलतियों की वजह से दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान टीम को मिली हार। बताएंगे आपको पाकिस्तान के हार की उन दो बड़ी गलतियों के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन आप भी पाकिस्तान टीम की हार का गुनहगार किस खिलाड़ी को मानते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल इंग्लैंड की सरजमी पर है, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 4 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। बल्लेबाजों की मुरीदी स्पिच पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए। हालांकि पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात की जाए तो इस मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 36 रन खर्च कर 3 सफलताएं हासिल की। इसके अलावा इमाद वसीम ने 19 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। वहीं हरीश राव के खाते में भी 2 सफलता रही। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 184 रनों का लक्ष्य दिया था। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आज पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों के कंधों पर पाकिस्तान टीम को तेज शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज आज सस्ते में पवेलियन लौट गए। सैम अयूब जहां 2 रन बनाकर आउट हुए तो मोहम्मद रिजवान खाता तक नहीं खोल पाए। पाकिस्तान टीम को पहला झटका मोहम्मद रिजवान के रूप में लगा, जो बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। हालांकि कप्तान बाबर आजम ने 32 रनों की पारी जरूर खेली और फकर जमा ने 45 रन बनाए, लेकिन टीम की जीत के लिए ये रन काफी कम थे। अगर बात की जाए पाकिस्तान की हार की दो बड़ी वजहों के बारे में, तो पहला कप्तान बाबर आजम का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला हार की बड़ी वजह बना, क्योंकि ये पिच बल्लेबाजों की मुरीद थी। ऐसे में पहले गेंदबाजी करना कहीं न कहीं पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान का सौदा हो गया। अगर दूसरी बड़ी गलती के बारे में बात की जाए तो ओपनर बल्लेबाज सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान सस्ते में पवेलियन लौट गए। जब टीम को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी तो ये दोनों ही खिलाड़ी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और इन दो बड़ी गलतियों की वजह से पाकिस्तान टीम को इस दूसरे टी20 मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।